आगामी लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए नागरिकता संशोधन कानून यानी कि CAA का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसी के साथ अब देश में CAA लागू हो गया है। ये वही कानून है जिसे लेकर साल 2020 में देश भर में खूब प्रदर्शन हुए थे। एक तबका है जो इस फैसले का दिल से स्वागत कर रहा है, तो वहीं दूसरा तबका है जो इस कानून के खिलाफ है, क्योंकि उन्हें डर है कि CAA के लागू होने के बाद से कहीं उनकी नागरिकता तो नहीं छिन जाएगी। तो इस वीडियो में हम इन सारे कंफ्यूजन्स को दूर करेंगे और बताएंगे कि सरकार ने कानून को लेकर क्या कुछ कहा है, क्या इस कानून का धर्म से कोई लेना देना है और क्या ये कानून नागरिकता छीनने वाला है। नमस्कार, मैं आपके साथ अंशिका गुप्ता। दरअसल खबरों के मुताबिक ये कानून किसी भी भारतीय की नागरिकता नहीं छीनेगा। CAA पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में धार्मिक उत्पीड़न झेलने वाले उन लोगों को नागरिकता देगा जिन्होंने 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में शरण ली थी। मंत्रालय के मुताबिक दी गई नागरिकता अधिकार सांस्कृतिक, भाषाई और सामाजिक पहचान की रक्षा करेगा। साथ ही आर्थिक मुक्त आवाजाही और संपत्ति खरीदने का अधिकार भी सुनिश्चित करेगा। उत्पीड़ित 6 समुदायों में हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई शामिल है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक CAA पुनर्वास को दूर करेगा और नागरिकता देकर दशकों से पीड़ित शरणार्थियों के लिए एक गरिमापूर्ण जीवन सुनिश्चित करेगा। मंत्रालय के मुताबिक ये नागरिकता देने का कानून है, किसी भी भारतीय की नागरिकता छीनने का नहीं, चाहे वो किसी भी धर्म का क्यों ना हो। ये कानून केवल उन लोगों के लिए है जिन्होंने सालों से उत्पीड़न सहा है और जिनके पास भारत के अलावा दुनिया में कोई और शरण स्थल नहीं है। भारत का संविधान सरकार को धार्मिक उत्पीड़न का सामना करने वाले शरणार्थियों को मानवीय दृष्टिकोण से अपने देश में नागरिकता प्रदान करने का अधिकार देता है। मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि कोविड-19 महामारी के कारण CAA लागू करने में देरी हुई। अब बात करते हैं कि आखिरकार मुस्लिम समुदायों को नागरिकता क्यों नहीं मिल रही है। दरअसल भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों के आने के कई कारण थे। उत्पीड़न, भेदभाव, शारीरिक असुरक्षा, जबरन धर्म परिवर्तन का खतरा। आधिकारिक आंकड़े मुस्लिम बहुल पड़ोसी देशों से बड़े पैमाने पर अल्पसंख्यकों के पलायन की गवाही देते हैं। 1947 में पाकिस्तान में अल्पसंख्यक ज्यादातर हिंदू और सिख आबादी का लगभग 23% है। आज वो लगभग 5% है। हिंदू लगभग 1.65% ही रह गए हैं। इसी तरह 1971 में जब बांग्लादेश बना तब हिंदू आबादी का 19% थे, 2016 में वो केवल 8% ही थे, जबकि भारत में अल्पसंख्यकों की संख्या दुगनी हुई है। 1947 में भारत में मुसलमानों की संख्या 9.2 करोड़ थी, आज उनकी अनुमानित संख्या लगभग 20 करोड़ है। अल्पसंख्यकों की गिरती जनसंख्या के अलावा सभी मुस्लिम बहुल पड़ोसी देशों के सर्वोच्च पदों पर मुसलमानों को तवज्जो मिलती है, जबकि भारतीय संविधान सभी अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करता है और मुसलमानों के साथ साथ बाकी अल्पसंख्यकों को उनके धार्मिक और शैक्षणिक संस्थानों के प्रबंधन में विशेष अधिकार देता है। 2019 में राज्यसभा में बिल पेश करते समय केंद्रीय गृह मंत्री सामना करने के बाद भारत आ गए हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने इस बात पर जोर दिया कि CAA भारत में किसी भी अल्पसंख्यक के खिलाफ नहीं है और हर एक भारतीय नागरिक के अधिकारों को समान रूप से संरक्षित किया जाएगा। ऐसे तमाम देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए।